बारह हवेली खालसा गांव के रामपाल के पुरवा गांव कड़क और सांबी उत्तर प्रदेश की घटना है। यहां खड़ंजा न लगने की वजह से सरोज सहित 150 लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपके यहां क्या समस्या है? रोड में कीचड़ बहुत रहते हैं, लड़का स्कूल नहीं जा पाते हैं, कीचड़ में गिर गिर जाते हैं। प्रधान के कई बार दिए, लिख पढ़ के कोई सुनाई नहीं है। बहुत से लोग आते हैं, घूस घास मांगते हैं, बच्चे जिला आए कि उनको पैसा दे करके रोड बनवाए। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हो? हम यही चाहते हैं कि हमारी रोड बनना चाहिए। यहाँ पर लगभग 25-25 साल से रह रहे हैं, यहाँ रोड की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लड़का जाते हैं पढ़ने के लिए, फिसल के गिर जाते हैं, प्रधान से बोलते हैं तो कहता अभी पैसा नहीं आया है। हर बार ऐसे ही पंचवर्षीय निकल जाता है, कोई प्रधान सुनाई नहीं करता। तो ये किस सीजन में पानी भरा रहता है? अरे जस बारिखा का है, बम्बाओ का है, सब गाली खराब ही, जब कीचड़ है दूर नहीं रात 12 महीना साहब तो का बताएं। प्रधान को आपने लिखित रूप से कुछ दिया है? बहुत सी है नहीं, बहुत जरूरी नहीं, वो जब यहाँ का जुम्मा नहीं लिया तो का करी। समस्या यही है कि भैया सड़क बहुत खराब है, पानी भरा रहा था, कीचड़ रहा था, रोड बनना चाहिए। तो इसके लिए अभी तक आप लोगों ने कुछ प्रयास किया? प्रधान से कही थी तो प्रधान कहते हमारे की वोट नहीं दी न्याय पूर्वक के, तो हम नहीं बनाएंगे रोड। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से वंचित हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इस ग्राम सभा में खड़ंजा लगे ताकि यहाँ रहने वाले सरोज सहित 150 लोगों को आने जाने की सुविधा मिले। ये लाभ खंड विकास अधिकारी द्वारा दिलाया जा सकता है। खंड विकास अधिकारी के मोबाइल नंबर 9918775000 पर कॉल कर दबाव डालने में आप लोग हमारी मदद करें। मैं महेश कुमार, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।